आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभी लगातार कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और एक वीडियो वायरल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी 3 मिनट का भी वीडियो है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं कि 3 घंटा का भी वायरल करना चाहिए, 3 दिन भी करो और 10-20 और लोगों को खोज के सेटिंग वेटिंग कर लो और करके जितनी कोशिश है कर लो, जैसे बदनाम करना चाहते हैं कर लो, लेकिन मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। कोई भी कितनी भी साजिश करेगा वो साजिशें जो हैं वो एक ना एक दिन बेनकाब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये एक सोची समझी साजिश आदरणीय हमारे चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम मिलके कर रही है और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। मेरे मोबाइल का मांग करेगी, जो सहयोग की बात करेगी मैं उसको आधा घंटा में उपलब्ध करा दूंगा। चूंकि पुलिस में मैं हमारा पारिवारिक एक कार्यक्रम में हम उड़ीसा गए हुए थे, जैसे ही हमको पता चला हमने रातों रात प्राथमिकी दर्ज किया है। यदि हमको इतना डर भय होता तो हम क्यों प्राथमिकी दर्ज करते। पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि इसका फॉरेंसिक जांच हो जाए, दोनों मोबाइल का फॉरेंसिक जांच हो जाए और पुलिस आज मांगे आज देने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश हुआ है और ये साजिश करके इसका एडिटिंग मोर और क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं उतना तो हम जान पे नहीं करते ना, हम क्या बोलेंगे आप। तो ये सब हुआ है तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा, कैमरा लगा के बता दिए फलना दुकान फलना फलना फलना, मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन ये लोग बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं रे भाई, क्या जुलूम कर दिया, कैसा जुलूम हो गया, हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं। बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी होना चाहिए और ईडी और सीबीआई और क्या होगा तो भगवान मालिक है, खैर उस पर हम नहीं बोलते हैं। तो बोले मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है अमेरिका तक जी, पलटी मोड़ का नाम सुने हैं अमेरिका में, वहाँ भी मालूम देने के लिए वहाँ। फिर कहा जाता है कि जो महिला दिख रही है उस महिला की सुरक्षा का जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए। फिर ये खुद ही बताया जाता है कि महिला अमुक दुकान में काम करती है, अमुक जगह में रहती है, ये ट्विटर में सारा चीज दिया जाता है कि ये ट्विटर में दिया जाता है कि फलना दुकान में फलना जगह में
महिला रह रही है और उसकी जान को भी खतरा का चिंता भी व्यक्त किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये महिला जो है एक वैगनआर में तीन महिलाओं के साथ, एक कोई बच्चा या जो ड्राइवर किसका नाम बोला जाता है छोटू, उसके साथ कहीं चली गई। और फिर ये कहा जाता है कि महिला का जान को खतरा। तो आप ये बताइए कि ये महिला की जासूसी करने का अधिकार क्या कानून ने किसी को दिया है? क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप उसका जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि फलना दुकान में फलना जगह काम करती है, फलना जगह रहती है, तो क्या उसकी निजता का ये उल्लंघन नहीं है? तो आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो महिला किस दुकान में काम कर रही है, महिला कहाँ रह रही है, महिला कितने बजे घर घुस रही है, कितने बजे घर से निकल रही है, किस गाड़ी में जा रही है, किस गाड़ी से आ रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आखिर इनको क्यों, कहां से जानकारी ये सब हुआ? और हर वीडियो इन्हीं के पास कैसे पहुंच जाता है? इसके पहले भी हमारा एक बड़ा नेता का इन्होंने नक्सली के साथ एक वीडियो निकाल दिया कि नक्सली से बात हो रही है। तो हम बैकवर्ड हैं, पिछड़ा हैं, कमजोर वर्ग की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमजोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह, अब फ्रेंड करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे, आप भी बताइए सार्वजनिक करके कि आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं। तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ, कौन है ये महिला जिस जो बैठती है आपके साथ? और अब बताइए ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं तो कौन है महिला और ये लड़का कौन है? तो ये महिला कौन है आप बताइए, और ये लड़का कौन है? और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई है, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर, यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता। आप कह रहे हैं आप आरोपी नहीं, महिला भी आरोपी नहीं, भुक्त भोगी है, तो आरोपी कौन है? सरयू राय? नो, आरोपी तो जांच होनी चाहिए। देखिए प्राथमिकी दर्ज है, SSP बोल रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन साजिश कॉन्स्पिरेसी किसने किया है, किन लोगों ने सबसे पहले, किन लोगों का पेट में दर्द हुआ है और कौन लोग इसको साजिश करके निकाला है, वो जांच होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।